मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। बायो में हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। तो नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। जो हमारे शरीर में कितने हैं? लगभग 100 अरब। देखो कितनी विचित्र बात है, हमारे इस ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सीज हैं। कितनी हैं? 100 अरब गैलेक्सीज हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, और हमारा शरीर भी क्या है? एक ब्रह्मांड है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 100 अरब न्यूरॉन्स हैं। तो अगर एक न्यूरॉन को हम एक जो है गैलेक्सी मान लें, तो हमारे शरीर के अंदर 100 अरब गैलेक्सीज हैं जो पूरा ब्रह्मांड को समाये हुए है। हम तो बाहर खोजते हैं, ब्रह्मांड में घूमते हैं कि पृथ्वी से बाहर चले जाएँ, सब कुछ तो हमारे शरीर में ही, पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में। जो इस चीज़ को समझ जाता है वही विरक्ति की भाव ऊपर चला जाता है। जो इन सारी चीज़ों से, पदार्थ से, जो भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है, जो आंतरिक अंदर चला जाता है, वही क्या हो जाता है? विरक्ति की राह पर चला जाता है। क्योंकि सब कुछ तो हमारे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर समाया हुआ है, बस इसको समझने की बात है। तो इसलिए जो है हमने उसमें पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र में इनके तीन भाग हैं तंत्रिका तंत्र के। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसमें से हम लोगों ने दो को निपटा दिया था, परिधीय और स्वायत्त को, परिधीय और स्वायत्त को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो तंत्रिका तंत्र है वो कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दो भागों में बटा होता है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो हमने बताया था स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर है? मेरुदंड के अंदर है। किसके अंदर है? मेरुदंड के अंदर। इसीलिए उसको मेरु रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरु रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं? मेरु रज्जु, क्योंकि वो मेरु के अंदर है, मेरुदंड के अंदर है। तो दंड के अंदर छिपा है, रस्सी की नुमा है, रस्सी नुमा संरचना है, तो इसलिए इसको रज्जु कहते हैं। रज्जु माने रस्सी होती है, तो मेरु रज्जु कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो दो ब्रेन है, पहला तो ब्रेन है जो वास्तविक मस्तिष्क, दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, जो है सेकंड ब्रेन के रूप में जाना जाता है। तो दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, दोनों का महत्वपूर्ण रोल है। तभी तो अगर स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी मतलब जो है उसके वायरिंग से, अगर किसी भी वायरिंग, जो हमने वायरिंग पढ़ाई थी ना कि 31 वायर्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, कितने होते हैं? 31 जोड़े वायर्स होते हैं, और हमारे ब्रेन में कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। एक को अगर कैंची से काट लिया भगवान ने, या किसी तरीके से दब गया, तो फिर करंट प्रवाह उस शरीर के अंग को जाना बंद हो जाएगा, और फिर कहते हैं लकवा मार गया, वो शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर जाता है। क्योंकि वहाँ से जो करंट था वो स्पाइनल कॉर्ड ला ही नहीं पा रहा है, और उस करंट को ब्रेन तक भेज ही नहीं पा रहा है स्पाइनल कॉर्ड। तो जब ब्रेन को सूचना ही नहीं दे पाएगा कि शरीर का ये भी हमारा अंग है, तो ब्रेन उसको अपना अंग मानने से इनकार कर देगा, कहेगा शरीर का हमारा ये अंग है ही नहीं, क्योंकि वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ने करंट भेजना बंद कर दिया है। तो सबका बैलेंस बराबर है, सारे फंक्शंस जो दोनों हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का अपनी अपनी जगह, दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो ब्रेन है हमारा, ये लगभग कितने ग्राम का होता है? 1400 ग्राम का होता है। लगभग एक इंसानी ब्रेन, इंसान का जो ब्रेन है वो कितना है? लगभग 14 ग्राम का है। और ब्रेन को भगवान ने बड़ी सुरक्षित रखा है। हमने पढ़ा था एक स्कल है, एक खोपड़ी, ये खोपड़ी हमारी ये पूरी ना, तो ये पूरी खोपड़ी के अंदर जो है एक परत तो खोपड़ी की हुई, एक परत किसी हुई? खोपड़ी की हो गई। इस तरीके से खोपड़ियाँ बनाते हैं हम, किसकी बनाए? खोपड़ी है कृष्णा की, ये जल बन जाए किसी की खोपड़ी, ये से बन गई खोपड़ी से, ये बन गई खोपड़ी से, नाक थोड़ा ज़्यादा पतली हो गई है, किसी राक्षसनी की खोपड़ी है, ठीक, चलो समझ लो राक्षसनी की खोपड़ी, ठीक। अब ये क्या है? ये तो स्कल हो गई, ये क्या है? खोपड़ी है। ये क्या है? स्कल है जो खोपड़ी है, और इस खोपड़ी में ब्रेन रखा हुआ है, किसमें? क्रेमियम में। किसमें रखा हुआ है? क्रेमियम। तो ये क्रेमियम है, इस तरीके से क्या है? क्रेमियम। तो क्रेमियम, और इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं क्रेमियम में? मैंने बताया था
आठ हड्डियाँ पाई जाती हैं, भूल गए। क्रेनियम में कितनी हड्डियाँ हैं? आठ हड्डियाँ हैं। और आठ हड्डियाँ जो ज्वाइंट है, किस प्रकार की ज्वाइंट है? यहाँ पे अचल ज्वाइंट है। कैसा है? इमूवेबल है, जिसको सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचर। क्योंकि यहाँ के जो ज्वाइंट्स हैं वो हिल नहीं सकती हैं। यहाँ के ज्वाइंट्स क्या है? हिल नहीं सकते हैं। इस तरीके से ज्वाइंट्स है इसका ना, ऐसे ऐसे ज्वाइंट्स है, ऐसे इस तरीके से ज्वाइंट्स है। अब ये ज्वाइंट्स हिल नहीं सकते हैं, तो ये कैसे हैं? इमूवेबल हैं। अब इसी जो है, इसी ज्वाइंट के अंदर ही ये, मतलब इसी इस क्रेनियम के अंदर ही हमारा क्या है? ब्रेन है। क्रेनियम के अंदर क्या है हमारा? ब्रेन है। इस तरीके से ऐसे ऐसे जो है ब्रेन की संरचना है इस तरीके से। ये क्रेनियम के अंदर पैक है, जो लगभग 1400 ग्राम का है ब्रेन। और इसके अंदर जो है काफ़ी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, 100 अरब न्यूरॉन्स तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और सब में मिला करके, लेकिन सबसे अधिकांश जो न्यूरॉन्स से कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। तो अगर इस न्यूरॉन्स को, जो 100 अरब न्यूरॉन्स है, इसको उठा करके अगर हम जोड़ दें, एक वायर बना दें ना, तो जो हमारी पृथ्वी है लगभग 40,000 किलोमीटर का इसका पेरीफेयर है, इसका परिधि है, इसको हम अपने एक आदमी के जो है इस उसके न्यूरॉन्स से जोड़ बांध सकते हैं धागे से। पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को एक इंसान के न्यूरॉन्स से हम क्या कर सकते हैं? बांध सकते हैं। पूरा जो हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, जो लगभग 40,000 किलोमीटर का क्या है उसका परिधि है, 40,000 किलोमीटर का गोला है, ठीक है। अब इमेजिन करो एक पृथ्वी देखो गोलाई में, हम यहाँ पर, हमारे नीचे क्या है? अमेरिका है, ठीक। अब ये पूरा गोलाई को हम एक इंसान के ब्रेन के न्यूरॉन से क्या कर सकते हैं? बांध सकते हैं। इतने जो है, इतने अधिक न्यूरॉन्स हैं हमारे शरीर के अंदर। और इसीलिए कहा गया है न्यूरॉन्स हमारे शरीर की सबसे लंबी क्या है? सेल है, सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये ब्रेन है। अब इस ब्रेन को तो सबसे पहले क्या, खोपड़ी हमारी जो सुरक्षा प्रदान करती है, तभी तो कोई लाठी वाठी मार देता है, ब्रेन पे दिक्कत नहीं होती है, ठीक। इसके बाद में दूसरी परत क्या है हमारी? क्रेनियम की है। किसकी है? क्रेनियम। तो क्रेनियम की परत भी है, क्रेनियम भी जो हड्डी है, जिसको कपाल बोलते हैं। क्रेनियम को क्या बोलते हैं? कपाल। तो कपाल में जिसमें कितने 8 हड्डियां हैं, ठीक। तो 8 हड्डियों से सुरक्षा प्रदान होती है, मतलब 8 हड्डियों का ज्वाइंट है, इसके अंदर ब्रेन रखा है। फिर इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, इस ब्रेन के ऊपर क्या पाई जाती है? एक झिल्ली, जिसको मेनिंजिस झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजिस, मेनिंजिस झिल्ली बोलते हैं, मेनिंजिस। इसलिए आपने सुना होगा एक रोग हो जाता है दिमाग का, मेनिंजाइटिस रोग, आपने सुना होगा। कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस। जब कभी इस मेनिंजिस में क्या हो जाता है, कोई जो है फंक्शन, वो मतलब कोई कीटाणु घुस जाता है, तो सड़ने लगता है मेनिंजिस। क्या होने लगता है? सड़ने लगता है। तो हमारे शरीर में जो है बुखार उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो ऐसे मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? दिमागी बुखार। तो दिमागी बुखार एक्चुअली क्या है? मेनिंजाइटिस बीमारी है, जो मेनिंजिस में क्या हो गया, सड़न पैदा हो जाने से होता है। कोई कीटाणु घुस जाए, उसको सड़ाने लगे मेनिंजिस को, तो फिर मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है। तो एक परत जो है इस तरीके से चारों तरफ से एक झिल्ली में हमारा ब्रेन बहुत कायदे से रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि निकल करके इधर उधर भाग जाए जो है ब्रेन। तो बड़े अच्छी तरीके से ब्रेन को इसको सजा करके रखा गया। अब ये ब्रेन जो है हमारा तीन भागों में बटा हुआ है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है ये इतना बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा है, लगभग पूरे ब्रेन का, जो हमारा ब्रेन है उसका लगभग 2/3 हिस्सा किसका है? फॉर ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का जो आगे वाला हिस्सा है ये हमारा, ये लगभग 2/3 66% हिस्सा किसका है? अग्र मस्तिष्क का है, ठीक। अब अग्र मस्तिष्क को भी जो है तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक है आपका सेरिब्रम, एक क्या है? सेरिब्रम। दूसरा है थैलमस, दूसरा क्या है? थैलमस। और तीसरा है हाइपोथैलमस। इसमें भी सेरिब्रम जो है ये काफ़ी बड़ा है, सेरिब्रम कितना, ये भी मतलब अग्र मस्तिष्क का भी लगभग 66% 2/3 हिस्सा किसका है? सेरिब्रम का है। तो ये सेरिब्रम हो गया, और ये हो गया आपका थैलमस, ये हो गया हाइपोथैलमस, ये मान लेते हैं तीन भाग हो गया किसका? अग्र मस्तिष्क का। तो जिसमें सबसे बड़ा क्या है? ये सेरिब्रम। सबसे बड़ा क्या है? सेरिब्रम। अब सेरिब्रम का काम क्या है? जितना कुछ हम जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, बौद्धिक क्षमता वाली जितनी भी बातें, स्मृति की जो कुछ भी याद करते हैं, सब किसके बदौलत करते हैं? सेरिब्रम। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि हमारी याददाश्त, हमारी जो है सोचने की क्षमता, बुद्धिमत्ता, ये सब कहाँ, किससे संबंधित है? ब्रेन के, सेरिब्रम से। किससे संबंधित है? सेरिब्रम। अब देखो शब्दों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, सेरिब्रम अलग चीज़ है, सेरिब्रल अलग चीज़ है, सेरिबेलम अलग चीज़ है, थोड़ा थोड़ा अंतर है स्पेलिंग का, लेकिन इन सब में अंतर है। तो तीनों में
जो तीन मस्तिष्क बनाए, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, तीनों मस्तिष्क में सेरी नाम के जो है जो वो पाए जाते हैं, जो है न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सेरी ब्रह्म किस में पाया जाता है? अग्र में। और सेरी ब्रल पाया जाता है मध्य में, और सेरी बेलम पाया जाता है पश्चिम में। ठीक, तो सेरी ब्रह्म ये महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे मस्तिष्क का, जिससे हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं, विचारते हैं, पढ़ते लिखते हैं, जितना भी बौद्धिक काम जितना भी करते हैं हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है? सेरी ब्रह्म करता है। और ये सबसे बड़ा भाग है हमारे मस्तिष्क का, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरी ब्रह्म है। सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का क्या है? सेरी ब्रह्म। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है, हमारे मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरी ब्रह्म है। ठीक, और इसके अलावा थैलमस है, इसके अलावा दूसरा भाग क्या है? थैलमस। थैलमस काम क्या करता है कि बाहरी चीज़ों का अनुभव कराता है, बाहरी चीज़ों का, जैसे कोई लाठी मार रहा है तो दर्द उत्पन्न होगा, कौन कहेगा दर्द हो रहा है? थैलमस बताएगा। हमारे दिमाग को कौन, मतलब हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा जो है एक्टिव होगा उस समय जानकारी लेने के लिए? थैलमस। जैसे कोई हमारे हाथ को बाहर से काट रहा होगा, पीट रहा होगा, या जो है बाहर की गर्मी है, कभी कभी हम कहते हैं ना ठंडी आ गई, मौसम ठंडा हो गया, गर्मी आ गई, जो है मौसम गर्म हो गया, तो बाहरी वातावरण को, बाहरी गर्माई को, बाहरी ठंडाई को, बाहरी चोट को, ये सब कौन पता लगाता है? थैलमस। ये सब पता लगाता है थैलमस। तो बाहरी चीज़ों का, एनवायरनमेंट की बाहरी चीज़ों का सब ज्ञान कौन कराता है? थैलमस। और जो आंतरिक ताप है, जो आंतरिक चीज़ें हैं, उन सब का पता कौन लगाता है? हाइपोथैलमस। उन सब का पता कौन लगाता है? हाइपोथैलमस। जैसे कि अंदर गर्मी उत्पन्न होगी, अंदर शरीर क्या होगा? गर्म होगा। तो अंदर जब शरीर गर्म हो जाता है, इसको बुखार कहते हैं, तो बुखार, अब हाइपोथैलमस ने पता लगा लिया कि क्या हो गया शरीर को, बुखार हो गया है। तो न्यूरॉन्स को अपने कहेगा कि बेटा ऐसा है, पसीना निकालना शुरू करो शरीर से। क्या निकालना शुरू करो? पसीना, जिससे कि गर्मी शरीर से निकलेगी और हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हाइपोथैलमस का ये काम है। प्रेम हो जाता है किसी से हमको, क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। तो ये कौन कराता है? हाइपोथैलमस कराता है। दूसरा होता कुछ नहीं है, ये सब जो है खाली रचा हुआ इंसानों का माया है, लेकिन दिमाग ये सारा काम कराता है हमारा, हाइपोथैलमस कराता है। तो अगर सेरी ब्रह्म जब तक मतलब बुद्धिमत्ता की काम कर रहा है, सब पर हावी है, तो फिर हाइपोथैलमस भी जो है एक किनारे बैठा रहेगा। लेकिन जब किसी से गुस्सा, देखो कभी कभी गुस्सा आता है तो ये सारे फंक्शन बंद हो जाते हैं, हमको बाहर का वातावरण भी नहीं पता चलेगा। पता चला ठंडी विकट है और गुस्सा आया, लेके लाठी जो है निकल गए ठंडी में, जो है बिना उसमें कपड़े में ही, कच्ची में ही निकल गए लेके लाठी किसी को मारने, गर्मी नहीं लगेगी वो, ठंडी नहीं लगेगी। तो ये जो हाइपोथैलमस है, ये इसने क्या चीज़ एक्टिव कर दिया? गुस्से को एक्टिव कर दिया। तो बाकी चीज़ें हमारे शरीर के, जो बाकी के ब्रेन है, वो काम करना बंद कर देते हैं। भाई हम कुछ भी चीज़ जो महसूस करते हैं ब्रेन से, अपने दिमाग से, तो वो सारी चीज़ें जो महसूस करते हैं वही तो हो जाता है हमारे शरीर के साथ। हमने महसूस किया कि जो है बाहर गर्मी है, तो हमारे शरीर ने उस चीज़ को मान लिया, शरीर के जो हमारे ब्रेन ने उस चीज़ को क्या कर लिया? मान लिया। हमने मान लिया कि हमको किसी से प्रेम हो गया है, तो हमारे ब्रेन ने क्या कर लिया? मान लिया है। सब कुछ मानना ही गणित का ही भाग होता है ना, और ये सब चीज़ें जो है, तो प्रेम, घृणा, गुस्सा, बुखार, भूख लगती है हमारे पेट को, भूख लग जाती है, तो कौन बताता है? हाइपोथैलमस बताता है। भूख लग जाएगी तो कौन बताएगा? हाइपोथैलमस बताएगा कि बेटा भूख लग गई, पढ़ाना बंद करो, खाना खाओ। लेकिन अगर हमारा दिमाग ज़्यादा इसमें लगा हुआ है, सेरे ब्रह्म हमारा काम क्या कर रहा है? पढ़ाई में कंसंट्रेट है, बुद्धिमत्ता काम कर रहे हैं, तो भूख का भी पता नहीं लगता है ना। तभी तो कहते हैं कि जो है कुछ काम करते रहो जिससे कि व्रत हो, तो उसमें भूख का पता ना चले। तो ये हाइपोथैलमस है, ये दबा रहेगा, हाइपोथैलमस वाला जो ब्रेन है, जो उसका काम है करने का, वो इस चीज़ को पहचानने से मना कर देगा, क्योंकि एक्टिव कौन हो गया है? सेरिब्रम एक्टिव हो गया है, सेरिब्रम एक्टिव हो गया, और सेरिब्रम एक्टिव हो गया है तो वो बुद्धि, मतलब कुछ लिखने का काम कर रहा है, कुछ पढ़ने का काम कर रहा है, कुछ सोचने का, विचारने का काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कुछ कर रहा है। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें खत्म है। इसीलिए जब आपका ये वाला बैलेंस खराब होगा, बुद्धि चेतना खत्म होगी, तो ये हावी हो जाते हैं। हाइपोथैलमस क्या हो जाता है? हावी हो जाता है। गुस्सा हावी कर देगा, घृणा हावी कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इनसे संबंधित हाइपोथैलमस से। तो ये जो फोर ब्रेन है, यानी कि अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के तीन भाग हैं, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। और जो मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क है, ये वाला मध्य मस्तिष्क हो गया, ये वाला क्या हो गया? मध्य मस्तिष्क। ये वाला भाग क्या हो गया? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग हैं, इसके क्या है? दो भाग हैं, कारपोरा है और सेरिब्रल है। इसमें क्या है? कारपोरा और सेरिब्रल। तो एक भाग है आपका कारपोरा और दूसरा क्या है? सेरिब्रल।
ये जो है आपका कॉर्पोरा वाला भाग हो गया थोड़ा सा, और इधर का थोड़ा सा भाग क्या हो गया आपका सेरिब्रल का भाग हो गया। कॉर्पोरा का काम क्या होता है, हमारे पास जो है आँख और कान वगैरह है ना, तो जो ईयर आई है, ईयर है, ठीक है, आँख और कान, तो इनको एक्टिव करता है। इनसे संबंधित जितनी भी क्रियाएँ होती हैं यानी सुनना देखना ये सब कौन करवाता है, कॉर्पोरा करवाता है। श्रवण की जो है क्रिया और जो है देखने की क्रिया, विजन ये सब, कभी कभी ये होता ना कि कुछ हम किसी हमारे यहाँ घर में या परिवार में समाज में कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जो उनको कहो कुछ करते कुछ हैं समझते कुछ हैं, कहते हैं आदमी का ये बच्चा कैसा भौंदा है, कैसा है भौंदा कहते नहीं तुम्हारे यहाँ, पता नहीं भौंदा कहते हैं क्या कहते हैं हमारे यहाँ, भौंदा कभी कभी जो है भौंदे के साथ साथ में कहते हैं कि बहुत भोला है, ठीक है, तो वो मतलब भोला क्या मतलब कह कुछ रहे कर कुछ रहा है, क्योंकि उसको सुनाई कुछ दे रहा है, कह कुछ रहे कर कुछ रहा है, तो कौन करवाता है ये काम, कॉर्पोरा कराता है। कौन काम कराता है ये, हमारे दिमाग का कॉर्पोरा, जो किसका हिस्सा है, मिड ब्रेन का है। तो भौंदे व्यक्ति वो भौंदे नहीं होते, उसका कॉर्पोरा सही नहीं है, कॉर्पोरा खराब हो गया है, तो उसको सुनने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए जो है वो कॉर्पोरा कराता है। तो ईयर आई इसको नियंत्रित कौन करता है, कॉर्पोरा करता है। और सेरिब्रल का काम क्या है, क्योंकि ये बीच में, सेरिब्रल कहाँ है, बीच में, तो ये अग्र मस्तिष्क को, बीच वाले मस्तिष्क को और जो पश्चिम मस्तिष्क सबको जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, सभी को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, आगे वाले दिमाग को, बीच वाले दिमाग को, पीछे वाले दिमाग को, सबको क्या करता है, जोड़ता है। और इसके साथ में यहाँ से शुरू होता है जो है आपका मेरु रज्जु, ये क्या है, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड को भी जोड़ता है। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड को कौन जोड़ता है, सेरिब्रल, कौन जोड़ता है, सेरिब्रल, दिमाग को मेरु रज्जु से, दिमाग को मेरु रज्जु से जोड़ने का काम कौन करता है, सेरिब्रल। छोटू बैठ जा शांति से, बेटा क्या है उदम कर रहे हैं। दिमाग को जो है स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम कौन करता है, सेरिब्रल। तो ये ध्यान रखो, इसको नोट कर लो, इधर था सेरिब्रम जो बुद्धि चेतना का काम करता था, जो हम चिंतन का काम करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं, वो सब कौन करता है, सेरिब्रम करता है। लेकिन सेरिब्रल क्या काम करता है, दिमाग के सारे तंत्रों को जोड़ता है, चाहे वो अग्र मस्तिष्क हो, चाहे मध्य मस्तिष्क हो, चाहे पश्चिम मस्तिष्क हो, सबको क्या करता है, जोड़ता है। और इसके साथ में किसको जोड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड को, दिमाग से ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से भी जोड़ने का काम करता है। क्योंकि जैसे ही कोई भी सूचना पहुँचती है तो पूरे ब्रेन में जाती है ना, तो पूरे ब्रेन में कौन पहुँचाता है, यही पहुँचाता है सेरिब्रल, कौन पहुँचाता है, सेरिब्रल। स्पाइनल कॉर्ड से पहले सेरिब्रल को पहुँचेगी, और सेरिब्रल क्या करेगा, सभी जहाँ की जिसकी सूचना होगी उसको क्या कर देगा, दे देगा। जैसे गुस्सा आया कहीं पर, तो गुस्सा वाली सूचना किसको पहुँचा देगा, आपको हाइपोथैलेमस को पहुँचा देगा, और बाहर का तापमान घटा बढ़ा तो थैलेमस को पहुँचा देगा। यानी सभी अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है, सेरिब्रल, कौन काम करता है, सेरिब्रल। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी ब्रेन से जोड़ता है, और ब्रेन के सभी तंतुओं को जोड़ता है कौन, सेरिब्रल, ठीक। तो ये जो है हो गया कौन सा, मिड ब्रेन, कौन सा ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन। और तीसरा है आपका हिंड ब्रेन या पश्च ब्रेन कहते हैं, हिंड ब्रेन को क्या कहते हैं, पश्च ब्रेन, पीछे वाला भाग, जो ये वाला भाग है ये ब्रेन का पिछला हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। या इसके भी दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला। तुमने देखा होगा नटवट कभी जो है रस्सी पर चलते हैं, नटवट जो है रस्सी पर चलते हैं, ठीक है, साइकिल की पहिया, साइकिल के पहिया ले लेंगे और उस पर चलते चले जाएंगे, रस्सी पे चले जाते हैं ना, तो ये बैलेंस बनाता है, कौन बनाता है, सेरिबेलम। बेलम से याद रखो, बेलम बैलेंस से बना है, बेलम किससे बना है, बैलेंस से। तो सेरिबेलम क्या बनाता है हमारे शरीर में, बैलेंस। हम जो है दौड़ते हैं तो दौड़ते हुए गिरते क्यों नहीं है, क्योंकि सेरिबेलम जो है कंट्रोल करता है, बैलेंस बनाता है, ठीक। डांस करते हैं, डांस करते हुए गिर क्यों नहीं जाते हैं, सेरिबेलम बैलेंस बनाता है। तो जितने भी प्रकार के बैलेंस होते हैं, संतुलन होते हैं, कौन बनाता है, सेरिबेलम बनाता है। और इसके अलावा दूसरा है मेडुला, मेडुला हम लोग ये मेडुला इसका पूरा नाम है ऑब्लोगेटा, चलो मेडुला याद रखो खाली। तो हिंड ब्रेन या पश्च ब्रेन में एक है मेडुला। मेडुला का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि यहाँ पर तो ये है अपना जो है ब्रेन की जो है ये है अपना जो है ब्रेन की टेल, ब्रेन का ये क्या है, टेल है, ठीक, जो आगे जा करके जुड़ गई है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड में ये टेल आगे जा करके मिल गई है। और यही जो मेडुला है, यही मेडुला आगे बढ़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड,
तो मेडुला ही किस रूप में बदल गई है, स्पाइनल कॉर्ड में ही, मेडुला ही आगे बढ़ा हुआ रूप क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में, जो आगे जा करके हमारे जो है टेल तक है, हमारे इस यहाँ तक है पूंछ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरी, अब इनमें 31 जो है इस तरीके से क्या निकली हुई हैं, तंतुएं निकली हुई हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानी जाती हैं। तो इस ये काम क्या करता है, मेडुला का काम क्या होता है, हमारे ब्रेन का जो ये भाग है मेडुला, ठीक है, इसमें ये सेरिबेलम हो गया और ये क्या हो गया, मेडुला। मेडुला का काम क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं अनैच्छिक, हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे हाथ को मोड़ रहे हैं, हाथ को क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, हम उछल रहे हैं, ये सब क्या होगी, ऐच्छिक क्रियाएं। इनको हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन हम सांस ले रहे हैं तो क्या हमारे मतलब नियंत्रण में है वो, नहीं है। उसके लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा, नियंत्रित करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, योग साधना करनी पड़ेगी। कुछ समय तक आप अपने सांस को रोक सकते हो, लेकिन परमानेंट अगर रोक दिए तो फिर ऊपर चले जाओगे, परमानेंट रोक दोगे तो ऊपर चले जाओगे। इसी प्रकार से ब्लड प्रेशर, जो हमारे अंदर जो रक्त का संचार होता है, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया। पाचन है, हमने खाना खाया और कह देंगे आज नहीं पचाएंगे, चलो कल पचाते हैं, ठीक है, पेट में भरा रहा है आज नहीं, दिमाग को ऑर्डर दे दें, कहें बेटा आज मत पचाना है, अभी हमको कल खाना मिलने वाला नहीं है, या तो हम दो नवरात्रि व्रत रखेंगे, आज ठूस ठूस कर खा लेते हैं और दिमाग को आदेश दे देते हैं कि बेटा पचाना मत, ठीक है। तो दिमाग क्या आदेश मान जाएगा तुम्हारा, नहीं मानेगा, वो तो कहेगा भैया जैसे ही मुँह में डाले वहीं शुरू करता हूँ पचाना तुम्हारे खाने को, तो मुँह से ग्रास, जैसे ही ग्रास नली में गई वहीं से पाचन शुरू हो जाता है और आ करके इंस्टेंटाइन में पूरी तरीके से वो जो है तब्दील हो जाता है, पाचन होकर के उपापचय होकर के और ख़त्म हो जाता है वो। तो इस तरीके से जो है ये सब कैसी क्रियाएँ हैं, अनैच्छिक क्रियाएँ हैं। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, मेडुला करता है, कौन करता है, मेडुला करता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को शरीर के नियंत्रित करता है मेडुला, और इसके अलावा जो है यही इसी का आगे बढ़ा हुआ भाग क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो प्रश्न यहाँ से आएगा कि स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट किससे लिंक जुड़ा हुआ है, मेडुला से, किससे जुड़ा हुआ है, मेडुला से, क्योंकि मेडुला का ही आगे बढ़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। तो ये हमने जो है क्या देखे, तीनों प्रकार के जो है ब्रेन देखे हमारे दिमाग का तीनों। लेकिन यहाँ पर जो जो साइकोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक, वो ब्रेन के जो है दो तीन हिस्से अलग अलग दूसरे तरीके से मानते हैं कि हमारा दिमाग एक चेतन है, एक क्या है, चेतन है, दूसरा अवचेतन है और तीसरा अचेतन है। एक चेतन है जो हम जागते हुए जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सब क्या है, चेतन ब्रेन करता है, ये सब कौन करता है, चेतन, जो हम जागते हुए कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी को गाली बक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, चेतन, गुस्सा कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या कौन दिमाग कराता है, चेतन। और अवचेतन जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद में, या फिर जो है जो एकदम छिपा हुआ है इस तरीके से समझ सकते हो, ये हमारा जो है एक ब्रेन है जिसमें ये वाला हिस्सा क्या है, चेतन है, और ये वाला हिस्सा क्या है, अवचेतन है, ये वाला हिस्सा क्या है, अचेतन है। तो इस तरीके से ये चेतन वाला हिस्सा थोड़ा सा है हमारे ब्रेन का, लेकिन अधिकांश हिस्सा क्या है, अवचेतन है, अधिकांश हिस्सा क्या है, अवचेतन है। सब कॉन्शियस माइंड, अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और इनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड, तो ये अचेतन है, ठीक, अवचेतन। इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ आप, जो कुछ भी आप पूरा करना चाहते हो, जो भी सपने आप देख रहे हो, वो सब कहाँ भेज दो, अवचेतन मन को भेज दो, कहाँ भेज दो, क्योंकि अवचेतन मन जो है सरलता से सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। अवचेतन मन ये कहता है कि जो है यही सच्चाई है, जो उसको बता दोगे वो उसको सच्चा मान लेता है। तो अवचेतन मन में इसीलिए कहा जाता है कि आप सपने बड़े देखो, क्यों, बहुत जो सक्सेस लोग हों क्यों कहते हैं बड़े सपने देखो, छोटे क्यों नहीं देखो, क्योंकि जो आप करते मतलब आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे करने की, अगर उसे 21 दिन तक कर लेते हो लगातार, 3 सप्ताह प्रैक्टिस कर लेते हो, तो वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, अवचेतन मन में। फिर अवचेतन मन किसी न किसी तरीके से उस कार्य को आपसे करवाएगा, अवचेतन मन किसी न किसी तरीके से उस कार्य को आपकी चेतना को भेजेगा कि आपने जो है इस चीज़ को करने का ठाना था और अब जो है हम ये करते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि हम किसी को याद करते हैं और अचानक हमारे घर में फ़ोन की घंटी बज जाती है, जिसको याद कर रहे हो वो फ़ोन की घंटी बज जाती है, तो हमने उसको अवचेतन मन से याद किया, कैसे याद किया है, अवचेतन मन से, और अवचेतन मन ने ऐसे ही परिस्थितियाँ क्रिएट कर दी कि फ़ोन आना ही था, तरंगे वहाँ तक भेज दिया और उसने घंटी बजा दी।
तो हमारे ब्रेन का ये बड़ा ही मतलब अद्भुत नियम है, बड़ा अद्भुत रूल है इस तरीके से। इसलिए हमेशा कहा जाता है सपने बड़े देखो, और जागते हुए सपने बड़े देखो, फिर उसको अवचेतन मन में भेजो, और अवचेतन मन में जब जाएगा तो आपसे वो कार्य कराने के लिए कोई ना कोई परिस्थितियाँ क्रिएट कर देगा भाई उसको जो दिखाओगे। ऐसे ही घटना थी, एक किसान था, सच्ची घटना है, वो अपने बैल को लेकर के खेतों में जो है जुताई कर रहा था, और उसके खेत में एक बबूल का पेड़ लगा हुआ था, बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं, तो जुताई करते करते जो है उसके ऊपर एक सांप लटक रहा था, ऊपर देखा नहीं और सांप ने उसके खोपड़िया में डस लिया। तो सोचा कांटा वाटा गड़ गया होगा, जुताई उताई करके घर चलाया, तीसरे चौथे दिन गया और देखा सांप मरा हुआ लटक रहा है। अब देखो हम लोग सोचते हैं सांप ने काटा तो हम मर जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर कितना जहर है कि सांप ने उसको काटा और सांप ही मर गया, तो सांप मर करके लटका रहा। और जब तीसरे चौथे दिन वो जुताई करने गया खेत में या कुछ काम से गया, देखा अरे तो साला इसीलिए खाया था मेरे को, उसके अवचेतन मन ने उस चीज़ की सच्चाई मान ली कि सांप ने ही काटा था और हम अभी तक जिंदा हैं, तो हमारे अंदर जहर फैल गया है, और इस चीज़ सोचते ही वो आदमी फटाक से मर गया। तो अवचेतन मन को हमने क्या आदेश दे दिया कि हमें सांप ने खाया था और हमारे शरीर में ब्लड में जो है जहर घुल गया था, और वो जहर उस समय चूँकि हमारा अवचेतन मन ये जान इस चीज़ को जानता नहीं था कि हमारे दिमाग ने तो ये कहा कि किसी कांटे ने मतलब कोई कांटा हमारे ब्रेन में चुभ गया होगा, हमारे खोपड़ी में चुभ गया होगा, ऊपर दिमाग में मतलब वो इस पे खोपड़ी में कांटा चुभ गया होगा क्योंकि बबूल का पेड़ है, तो दिमाग उसने देखा नहीं, और उसके दिमाग ने क्या आदेश दे दिया कि चल बेटा तू जोतता रहे, अभी ये बबूल का कांटा घुस गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके ब्रेन ने इस चीज़ को मान लिया, अवचेतन मन ने इस चीज़ को मान लिया, क्योंकि जो हम अवचेतन मन को दिखाएंगे वही तो देखेगा वो, तो उसको ये मान लिया, तो शरीर में जहर नहीं फैलने पाया, शरीर में जहर नहीं फैला। लेकिन जब तीसरे चौथे दिन जा करके दोबारा उस सांप को मरा हुआ देखा लटकता हुआ, कह रही बाबा ये तो सांप ने खाया था मेरे को, फिर उसके अवचेतन मन ने कहा सांप ही ने खाया था, चलो चलो जहर फैलाओ, तो तुरंत पूरे शरीर में जहर फैला दिया और उसका हार्ट अटैक होकर के वहीं मर गया। तो ये सच्ची घटना थी। तो ऐसे ऐसी घटनाएं होती हैं अवचेतन मन की। तो अवचेतन मन अगर इस तरीके की घटनाएं घटित कर सकता है, तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं इसको दिमाग में घुसेड़ें, अच्छी चीज़ें का बीज रोपण करें अवचेतन मन में, तो घटनाएं अच्छी घटित होंगी। इसीलिए जो आदमी सक्सेस हो जाता है वो इन चीज़ों को क्यों कहता है कि आप 21 दिन तक किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर लो तो हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। 21 दिन तक लगातार आप जो है दारू पीते रहो, 22वें दिन आप बिना दारू के नहीं रह पाओगे, बिना दारू के रह नहीं पाओगे, ठीक है। और 21 दिन अगर आपने किसी सब्जेक्ट का किताब पढ़ना शुरू कर दिया, लगातार 21 दिन आपने एक टाइम टेबल बना लिया कि 4 बजे सुबह उठना है और हमें उठा करके किताबें पढ़नी है, तो फिर 22वें दिन आप बिना पढ़े नहीं रह पाओगे। 3 दिन छुट्टी थी, हम पढ़ाने नहीं पाए, हमको नींद नहीं आती थी, क्योंकि हमने अवचेतन मन को ये दे रखा है कि बिना पढ़ाए खाना पचेगा नहीं, बिना पढ़ाए मज़ा नहीं आएगा, तो अवचेतन मन उस चीज़ को मानता है। तो अच्छाई का बीजारोपण शरीर दिमाग में करो तो सफलता मिलती है। तो इस तरीके से ये जो है ब्रेन के 3 भाग जो है मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं। एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड जो चेतन मन है, जो हम जागते हुए देख रहे हैं कर रहे हैं, चेतन हो गया। और सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? अवचेतन मन का है, सबसे बड़ा हिस्सा अवचेतन दिमाग का है, ठीक है। और थोड़ा सा हिस्सा क्या है? अचेतन। अब अचेतन वाला वो तो बिल्कुल सोया हुआ है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वो ज़्यादा कुछ काम नहीं, जो भी चला गया उस कोठरी में तो उससे बाहर नहीं निकलता है अचेतन मन में, ठीक। तो अवचेतन मन तक ही भेजना है, अचेतन मन में तो एक पहरेदार खड़ा हुआ है, जो चला जाएगा लौट के आएगा तो कहेगा हट तू कहाँ जा रहा है, तो अंदर आ गया, चल कुछ इसके अंदर। तो कोई चीज़ अगर, इसीलिए जब किसी का दुख, कोई दुख हो घर में, किसी दिक्कत हो जाए, कोई घर का बहुत अच्छा अजीज व्यक्ति चला जाए छोड़ करके, तो बहुत लंबे समय तक हमें क्यों याद रहता है? क्योंकि उस चीज़ को हम अचेतन मन तक नहीं भेज पाते हैं, अचेतन मन तक नहीं भेज पाते हैं, वो हमारी चेतना में बना रहता है, फिर एक लंबे समय बाद में वो अवचेतन में चला जाता है, गाहे बगाहे याद आ जाता है। लेकिन जब तक जिंदा रहते हैं वो याद रहता है, क्योंकि वो भावनाएं हमारे अचेतन मन में नहीं जा पाती हैं। अगर अचेतन मन में चली जाएंगी तो हम उस चीज़ को भूल जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी वो लाइफ में हमारे। तो ये चीज़ होती है हमारे। तो इस तरीके से ये ब्रेन के 3 हिस्से थे। और जो दूसरा ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको सेकेंड ब्रेन कहते हैं या छोटा ब्रेन कहते हैं, ये क्या है? इसी का भाई है जो जुड़ा हुआ है। इसका काम क्या होता है? ये प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। क्या करता है? प्रतिवर्ती। इसमें क्या होता है? इसी के अंदर एक पाइप होती है, एक जो है कैनाल होता है, ठीक है, सेंट्रल कैनाल के नाम से जाना जाता है। अब देखो सेंट्रल कैनाल में एक द्रव बहता है, ठीक है, एक द्रव जाता है इसी में, और यहाँ से इस तरीके से कैनाल होता है, सेंट्रल कैनाल होता है इसी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक। और वही क्या काम करता है?
प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है। कौन सा एक्शन करता है? रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने कल उदाहरण देके भी बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा ब्रेन किसी एक काम में लगा हुआ है, कोई एक काम ब्रेन को कर रहा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अचानक पीछे से आकर किसी ने हाथ रख दिया तो हमारा ब्रेन तो पढ़ने में लगा हुआ है, और ब्रेन ने कह दिया अपने छोटे भैया को, स्पाइनल कॉर्ड को, कि बेटा हम तो बिजी हैं और तुम क्या करो, अपने सारे जो है तंतुओं को सावधान कर दो और वो काम करते रहे। कहा बेटा तैयार रहना, हमला होने वाला है, हमारा भैया पढ़ रहा है, ब्रेन हमारा पढ़ाई में लगा हुआ है, और सारे जितने भी नर्व सिस्टम हैं सबको रेडी कर दो, जैसे ही कोई हमला हो तुरंत जो है भैया को बताना है। पीछे से किसी ने हाथ रखा, उसको लगा किसी ने हमला कर दिया है, और झटके से बताएगा ब्रेन को, अरे कोई आ गया है, तो ब्रेन वापस कहेगा, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा ही मिलने वाला था जिसने हाथ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी कौन सी एक क्रिया होती है? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शन एक्शन। कौन सी एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन जैसे मतलब गर्म तवे पे हाथ पड़ जाए तो तुरंत हम हटा लेते हैं कि नहीं, तुरंत हटा लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे नाक में कुछ घुस जाए, सो रहे हैं किसी, कोई सो रहा है उसके नाक में जो है पेंसिल डाल दो तो एकदम चौंक जाएगा, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये सब कौन करा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। ये सारी सूचनाएं कौन भेज रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इस टाइप की घटनाएं जो होती हैं वो सब कौन कराती हैं? स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब कराती हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस तरीके से ये हमारे पूरे जो है ब्रेन का क्या हो गया? डीएनए हो गया पूरा ब्रेन। समझ में आया कि नहीं आया? ब्रेन के कितने भाग हैं? तीन भाग हैं, ठीक है। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और सबसे ब्रेन जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 90% रोल किसका होता है? ब्रेन का। 10% रोल किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का। 10% रोल किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है कि हमारे पूरे शरीर को, हमारी पूरी चेतना को नियंत्रित करने वाला कौन है? तो उसमें दे देगा ब्रेन, उसमें दे देगा स्पाइनल कॉर्ड, उसमें दे देगा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर दे देगा उपरोक्त तीनों। तो आप जैसे ही दिमाग में आएगा वैसे ही जो है आप पहले कहाँ लगा दोगे? ब्रेन को लगा दोगे, लेकिन CNS दिया है तो CNS में लगाओगे। उपरोक्त तीनों तो खैर नहीं देगा, क्योंकि CNS का क्या है? दोनों CNS के ही भाग हैं। तो अगर खाली इस तरीके से दिया, CNS नहीं दिया है, ब्रेन दिया है, स्पाइनल कॉर्ड दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है, तो आप फिर ब्रेन को लगाओगे। ब्रेन 90% काम करता है नियंत्रण का, 10%। लेकिन अगर CNS दिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिया है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों भाग हैं। कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो इस तरीके से जो है ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो इस ये सारे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक।